स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का दिन कैसा व्यतीत होएगा? मेरा राशिफल नक्षत्रों के आधार पे है, उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी जो उस दिन काफ़ी सटीक और कारगर रहेंगे और आपकी कई समस्याओं को दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं राशिफल। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है, बुध ग्रह आपके थोड़े से नकारात्मक चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 तारीख की। 3 अप्रैल को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये नक्षत्र सूर्य का है और पूरे दिन रहेगा, रात को 10 बजे के आसपास तक ये नक्षत्र रहेगा और चंद्रदेव आपके चल रहे हैं 8वें भाव में। 8वां भाव हमारे परेशानियों का होता है, आयु का भी होता है, अचानक धन प्राप्ति का भी यही घर है। यहाँ पे जब भी चंद्रमा आते हैं अष्टम घर के अंदर 8th हाउस में, तो वो अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते। और मकर राशि में सूर्य चल रहे हैं मकर राशि में आपके चल रहे हैं ये 8वें घर के अंदर और सूर्य देव चल रहे हैं रेवती नक्षत्र में, तो आज के दिन विशेष करके 3 तारीख को आपको यात्रा से बचना चाहिए। यात्रा को आप टालें, क्योंकि यात्रा करने पे आपको परेशानी होगी, कुछ ना कुछ आपको दिक्कत आ सकती है। आज का दिन शेयर सट्टा लॉटरी में धन लाभ प्राप्ति के हिसाब से बढ़िया है। अगर आप शेयर्स में डील करते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आप आज शेयर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें, किसी एक्सपर्ट की राय अवश्य ही लें। और जो लोग गवर्नमेंट अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक होएगा, आपको अधिकारियों से फ़ायदा हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी अच्छा है। हालांकि ये जो दिन चल रहा है इसमें मित्र तारा का आपको साथ मिला हुआ है, इस कारण से अष्टम का चंद्रमा होते हुए भी 3 और 4 दोनों तारीख आपके लिए ठीक बीत जाएगी। राजनीति वालों को कोई उठापटक का सामना तो करना पड़ेगा, पर महिला राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया है दिन। तो एक तरह से देखें तो पॉलिटिक्स वालों के लिए बढ़िया है और कला जगत वालों के लिए भी ये दिन बढ़िया रहेगा। जो लोग पुलिस में हैं, सेना में हैं या सरकारी अधिकारी हैं, नौकरी में हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में हैं, बैंक में हैं, इंश्योरेंस में हैं, तो ऐसी सेवाओं के अंदर जो लोग हैं उनकी उन्नति होगी। कार्यों में आपके बाधाएं आज आएगी ही आएगी, तो बाधा के साथ या बाधाओं से को निपटने के बाद ही आपको धन प्राप्ति होगी धन की, और आपके कार्यों में बाधाएं आती रहेगी। परंतु आज आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं करनी है, अपने राज की बात किसी से भी शेयर न करें। कोई भी आपका रिश्ता हो, कोई भी वर्क प्लेस पे हो, आप अपनी बात को आप कम ही बोलेंगे ना तो बचे रहेंगे सब चीज़ों से, और गलत कार्य से भी आपको दूर रहना है। तो अपने मन के राज किसी से शेयर न करें। घर परिवार में अगर आप रहते हैं तो ये संभावना है कि वहाँ मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। घर परिवार में आप किसी मसले पर राय दें, हो सकता है सभी लोग उससे सहमत न हो, तो आप शांति के साथ इस दिन को बिताएं और कम ही बोलें। लव एंड रिलेशनशिप के लिए देखें तो 3 तारीख और 4 तारीख दोनों तारीख ठीक है, कोई विशेष परेशानी आपको नहीं है, आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए चलें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, वहाँ थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। और किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा विवाद पूर्व से चला आ रहा है तो उसे आप उठाने से बचें। 4 तारीख को जो लोग फूड से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनके रेस्टोरेंट है, फूड है, फूड से संबंधित खाना बना के देते हैं, फैशन डिजाइनिंग के कार्य करते हैं, इंश्योरेंस के हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए भी ये दिन बढ़िया है। दोनों ही दिन डॉक्टर और सर्जन वालों के लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है। मन आपका थोड़ा सा बेचैन रह सकता है, अलगाव या डिटैचमेंट की स्थिति निर्मित हो रही है, मानसिक रूप से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आप तनावग्रस्त रह सकते हैं, मूड स्विंग हो सकता है, तो नकारात्मक सोच से बचना बेहद जरूरी है। अष्टम का चंद्रमा मानसिक परेशानियां देते हैं, परंतु फिर भी मित्र तारा का आपको साथ मिला हुआ है, इसलिए आप ज़्यादा न घबराएं, आगे बढ़ते रहें, आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कुटुंब परिवार में विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो वहाँ अपनी राय देने से बचें और अपने विचार थोपने से बचें। 2 दिन के बाद वापस 5 तारीख से दिन आपके वापस बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपके लिए दिन बढ़िया है, दोनों ही दिन बढ़िया है। वर्किंग वूमेन के लिए उत्साह पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। हालांकि सुबह सुबह 3 तारीख और 4 तारीख दोनों ही तारीखों को सुबह सुबह आपको आलस्य की प्रवृत्ति रहेगी, परंतु बाद में जब आप कार्य में लगेंगे तो आप में बहुत अधिक उत्साह आ जाएगा। तो अधिक उत्साह में किसी से अधिक न बोलें, विवाद न करें। कार्यों में बाधाएं आ रही है तो आप बिल्कुल भी तनावग्रस्त न हों, क्योंकि ये 2 दिन का टाइम है, इसको शांति से निकाल लें।
काफ़ी बुद्धिमान आप रहने वाले हैं। बुद्धि और चातुर्य के बल पे आप सभी समस्याओं को दूर करके अपना मान सम्मान वर्क प्लेस पे बना ही लेंगे आप। जीवन साथी की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो आपका जीवन साथी काफ़ी चतुर रहेगा, आज काफ़ी आपको लाभ भी देगा और जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। आपकी आमदनी की स्थिति सकारात्मक है, बढ़िया है, संतोषजनक स्थिति है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है धन की। और जो लोग व्यापारी हैं उनको अचानक धन प्राप्ति की स्थितियां व्यापारियों के लिए निर्मित हो रही है। काम कारोबार में आपको बढ़त देखने को मिलेगी और व्यापारियों को उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिला के देखें तो दोनों ही दिन आपको थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा फायदा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा एक तरह से केमुद्रिंग दोष से चल रहा था, एक तारीख और दो तारीख को, वो तो अब केमुद्रिंग दोष है उससे तो मुक्त हो गया है और ये पॉजिटिव स्थिति है। उपाय की भी अभी चर्चा करेंगे। तो तीन तारीख का देखें तो तीन तारीख को 12 से डेढ़ के बीच में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य न करें। जो भी महत्वपूर्ण कार्य 3 तारीख को आपको करना है वो 3:40 से लेकर 5:12 के बीच में करें, ये श्रेष्ठ टाइम है। और थर्सडे की बात करें 4 तारीख की, तो 4 तारीख को आपको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं तो आप 11 से 12 के बीच का टाइम आप टाल के चलें, ये थोड़ा सा नकारात्मक टाइम है। आपको इस दोनों ही दिन अपनी सेहत का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा सेहत से संबंधित प्रॉब्लम देता है। सेहत के अंदर आँख से संबंधित, दांत से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम पहले से आपको है तो वो बढ़ सकती है, कफ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मन को भी मजबूत बना के चलें, मानसिक स्वास्थ्य को सही रखें। अब बात करते हैं उपाय की, क्या उपाय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 3 तारीख को। 3 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, इसलिए सूर्य आराधना इस दिन आप अवश्य ही करें। प्रातः उठ के सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, अपने पिता का सम्मान करें, पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, ये तो उपाय है 3 तारीख के। और 4 तारीख को चलेंगे श्रवण नक्षत्र। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, ये चंद्रमा का नक्षत्र है। इस दिन आप 3 उपाय कीजिए, बहुत ही दिन शानदार तरीके से व्यतीत हो जाएगा। पहला तो ये है कि आपको अच्छी बातें सुनने को मिले आपके कानों को, तो इसके लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप श्रवण करें। श्रवण का मतलब सुने, प्रातः उठते ही 4 तारीख को, 3 तारीख को भी सुन सकते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आपने श्रवण कर लिया, 3 तारीख को सुनना है तो 10 के आसपास सुन लीजिए, और 4 तारीख को सुनना है तो सुबह सुबह सुन लीजिए। इससे आपको क्या है कि आपको अपने बारे में अच्छी बातें सुनने को मिलेगी और आपका विवाद किसी से नहीं होगा। दूसरा उपाय यह है कि चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए गाय की सेवा करें और अपने माँ की भी आप सेवा करें, इससे आपका दिन सकारात्मक तरीके से व्यतीत होएगा। चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना भी श्रेष्ठ परिणाम देगा। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और किसी एक न एक व्यक्ति को इसे अवश्य ही शेयर कीजिए, ताकि आप उसका कुछ भला हो और उसका भला होने से आपके पुण्यकर्म बढ़े और आपको उसका फायदा हो। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।